दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान शनिवार सुबह स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचे और सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। इस दौरान केवड़िया में दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड जैसा नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हुए। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। इसके अलावा पीएम मोदी आज सुबह करीब 11 बजे सिविल सर्विसेज प्रोफेशनल्स को संबोधित किए। इसके बाद 11:45 पर पीएम वाटर एरोड्रम केवड़िया का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सी प्लेन सेवा केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक का भी उद्घाटन करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। पीएम मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।